This is Butu, my best and my favorite doggy. And ye hai uska daughter of Butu. And ye hai iska naam hai. This is the husband of the family. And this is Benu, guys. Hi Benu, say hi. Yes, ye aap log hi bhi bol raha hai, guys. सो फ्रेंड्स, यूजुअली मैं तो व्लॉग बनाता हूँ ट्रैवल के ऊपर में, पर आज मैं थोड़ा सा घर में हूँ और आज बाहर हो रहा है बहुत 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 खूबसूरत बारिश. सो राइट नाउ आई एम इन कोलकाता. कोलकाता का जो बारिश है इसका तो कोई जवाब नहीं है. सो गाइज, यहाँ पर गर्मी तो बहुत था. सो आई वॉज सो मच अपसेट, बट आज सुबह से द वेदर वॉज कम्प्लीटली ओवरकास्टेड और कुछ ही देर पहले शुरू हो गया है ह्यूज रेन. और मैं यहाँ पर मेरे घर में बैठा हूँ. यू कैन सी दिस इज माई रूम ओवर हियर, दिस इज माई रूम. मैं घर में बैठकर ऐसे विंडो को खोलकर बाहर बारिश को देखना और एंजॉय करना. सो गाइस, दैट्स समथिंग डिफरेंट. दोस्तों, अभी मैं हूँ मेरा घर के छत के ऊपर. यू कैन सी दैट इज़ मेरे छत के ऊपर. घर के छत के ऊपर एक छोटा सा गार्डन भी है. ये कुछ पेड़ भी लगाया हुआ है और एक पुराना एक्वेरियम भी है. दिस इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्वेरियम दैट आई हैव केप्ट ऑन द रूफ ओवर हियर. बारिश तो अभी थोड़ा थोड़ा थम चुका है, बट वन थिंग आई मस्ट से, बारिश थम जाने के बाद जो एक मिट्टी का, भीगे हुए मिट्टी का जो खुशबू आता है ना, दैट आई लाइक मोस्ट. होप सो गाइस, आप में से बहुत लोग मिट्टी का जो खुशबू होता है, भीगे मिट्टी का जो खुशबू होता है, उसको आप लाइक करते हो. और जो जो भीगे मिट्टी का स्वाद, जो सुगंध को लाइक करते हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में आपको लिखना ही पड़ेगा. सो देख सकते हो मैं आ चुका दूसरे छोर पे ऑन माई फील्ड. ये दीज ऑल ऑफ द ब्यूटिफुल ट्रीज ऑन माई रूफ. ये सभी जो पेड़ है, ये सभी जो छोटे छोटे पेड़ है, इसको मैं पानी देता हूँ हर रोज़. इसको फीड करता हूँ न्यूट्रिशंस, जिसको हम लोग कॉम्पोजिट भी बोलते हैं. सो दिस ऑल माई रूफ ओवर हियर. और जब भी बारिश होता है, कभी कभी तो मैं रूफ पर आकर थोड़ा सा भीग भी लेता हूँ. और कभी कभी अगर भीगता भी नहीं हूँ, तो यहाँ पर मैं दरवाजे पे खड़े होकर आई जस्ट वॉच द ब्यूटिफुल रेन फॉर लॉन्ग टाइम. ट्रस्ट मी, रेन सीजन इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सीजन्स आउट ऑफ ऑल सीजन्स इन इंडिया. दोस्तों, अभी तो बारिश खत्म हो चुका है. आप देख सकते हो टिप टिप बारिश से पड़ रहा है. तो मैं निकल चुका हूँ घर से बाहर टू इंट्रोड्यूस यू विद माय स्पेशल फ्रेंड्स. ये कोई आम फ्रेंड्स नहीं है, आपके तरह भी फ्रेंड्स नहीं है. दे आर फ्रेंड्स, दैट इज़ माय स्ट्रीट डॉग्स फ्रेंड्स ओवर हियर. इसका नाम है मेरा सबसे जो खास और प्यारा डॉगी है, दिस इज़ द बुतू. आप देख सकते हो बुतू कैसे मुझको देखकर जस्ट लाइक फीलिंग शाई एंड एंजॉइंग विथ इट. चलिए बुतू के साथ खेलते हैं. ये बुतू की बेटी है एंड दिस इज़ द हस्बैंड ऑफ बुतू. सो गाइस, ये है पूरा फैमिली है एंड आई लव देम अ लॉट बिकॉज बचपन से इन लोगों को मैं प्यार करता हूँ. इन लोगों के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग है एंड यू नो दैट डॉग्स आर वेरी मच ओबीडियंट टू अस. सो चलिए, इन लोगों के साथ आप लोगों को थोड़ा सा और थोड़ा सा मस्ती करते हैं और आप लोगों के साथ भी एक इंट्रोडक्शन पार्ट इन लोगों को करवा देते हैं. सो गाइज, आप देख सकते हो ये हाउ ब्यूटिफुल दिस टू गर्ल्स ओवर हियर. ये पूरा फैमिली है, मेरे घर के ठीक सामने ही रहते हैं ये लोग. एंड दिस इज़ माई होम एंड दे स्टे ओवर हियर. ये पूरा फैमिली है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है और इन लोगों का वन एंड ओनली डॉटर ऑफ देम. सो हाउ आर यू? फाइन. ओके, देख सकते हो आप हाउ क्यूट दे आर. ओके, दो दे आर स्ट्रीट डॉग्स बट दे आर वेरी ओबीडियंट, दे आर वेरी लवली, दे आर वेरी क्यूट. ये जो खूबसूरत जो लड़की है ना, ट्रस्ट मी यार, दे आर वेरी ब्यूटिफुल. कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना मेरी ये तीन जो दोस्त है, दिस आर माई थ्री फ्रेंड्स, इन लोग आप लोगों को कैसा लगा. एंड फिर से इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ. दिस इज़ बुतू, माई बेस्ट एंड माई फेवरेट डॉगी. एंड ये है
उसका डॉटर डॉटर ऑफ बुतु एंड ये है इसका नाम है दिस इज द हस्बैंड ऑफ द फैमिली एंड दिस इज बेनू गाइस हाय बेनू से हाय ये जी आप लोग हाय भी बोल रहा है गाइस दोस्तों बारिश के वक्त में एक चीज़ आप लोग तो ज़रूर नोटिस किया होगा दैट भूख तो बहुत लगता है तो ट्रस्ट मी आई एम फीलिंग सो मच हंग्री राइट नाउ लगातार 2 से 3 घंटे से बारिश हो रहा था अभी भी बारिश हो रहा है बस टिप टिप बारिश हो रहा है इतना ज़्यादा बारिश अभी थम चुका है तो अभी लग रहा है ज़बरदस्त भूख और चलिए देखते किचन में जाकर आज मम्मी ने क्या पकाया है गाइज किचन में आकर आई बिकम सो हैप्पी क्योंकि आई एम अ नॉन वेजिटेरियन और मुझको अच्छा लगता है नॉन वेजिटेरियन डिश और यहाँ पर आकर मुझको पता चला आज हम लोग का जो मेनू है डिश है दैट इज द मटन करी एंड ट्रस्ट मी गाइज आई एम जस्ट फॉन्ड ऑफ मटन करी पर ये अभी भी पकड़ा है तो अभी तो हम खा नहीं सकते तो जबरदस्त लगा है तो व्हाट आई कैन डू आई एम गोइंग टू हैव दिस टमाटर से अभी काम चला लेते हैं सब्जेक्ट नहीं जिस आप लोगों के साथ बात करना था सो आई मेड दिस वीडियो अगर इस वीडियो को अच्छा नहीं लगा तो एक डिसलाइक कर सकते हो अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हो ऑल अप टू यू सो गाइस यहां पर ही क्लोज करता हूं वीडियो सो सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड